52 उर्दू शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो अपर निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। जांच होने के बाद शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यहां पर बड़ी लापरवाही, कई फर्जीवाड़े यहां पर होने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग जो है वो सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। तो साल 2005 से 2013 तक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें घोटाला देखने को मिला था। एक शिक्षक के प्रमाण पत्र पर सवाल उठे थे। एसआईटी ने जांच के बाद प्रमाण पत्र को अमान्य माना है। विभाग से कार्रवाई की बात कही गई तो वही मामले में आरोपी शिक्षक कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गया है। उसने कोर्ट में अपने बचाव की कोशिश की है। कोर्ट ने सभी जिलों से शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर शासन ने सभी उर्दू के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब जांच होने के बाद शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जो बात है वो सामने आ रही है। तो 52 उर्दू शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसके बाद ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अपर निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, उर्दू शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए? हाँ बिल्कुल, अगर कहा जाए तो तमाम शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और लगभग 52 ऐसे उर्दू शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई है और उनमें से ज्यादातर के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और उनके खिलाफ अब कोर्ट के आदेश के बाद अब उनके खिलाफ जो न्यूनतम और अधिकतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग में इस तरीके का फर्जीवाड़ा चलता ही रहा है। SIT भी इसको लेकर गठित की गई है और अगर कहा जाए तो उसमें भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी पाए जाने की बातें सामने आई थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये उर्दू शिक्षकों की के ऊपर कार्रवाई भी क्या जल्द कर ली जाएगी या फिर इस पर भी समय लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो SIT चल रही है शिक्षा विभाग में उसमें प्रमाण पत्र तो फर्जी पाए जा रहे हैं लेकिन शिक्षकों को अभी तक उनकी नौकरी से नहीं निकाला गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर जल्द से जल्द कब कार्रवाई होती है। बिल्कुल, 2005 से 13 तक शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब सीधे तौर पर सवाल पंकज खड़े हुए एक शिक्षक के प्रमाण पत्र के जरिए, लेकिन अब जिस तरह से दिशा निर्देश यहाँ पर जिला अधिकारियों को दिए गए हैं, अमली जामा कब तक यहाँ पर पहनाया जाएगा और शिक्षक विभाग का क्या कुछ कहना है इस आदेशों को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा और विभाग जो है अब इस पे अपर शिक्षा निदेशक जो बेसिक शिक्षा है वीरेंद्र सिंह रावत उनके द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई इन तमाम शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन असली बात यही है कि भाई कब तक होगी ये कार्रवाई, क्योंकि इससे पहले भी जो SIT की जांच हुई थी, पुलिस SIT ने तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की थी, उसमें से कई फर्जी पाए गए थे लेकिन अब उसको लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीजें एक जैसी ही लगती हैं और ऐसे में अगर इस पर भी फैसला ना हुआ, उस पर भी फैसला नहीं हो रहा तो फिर कब फैसला शिक्षा विभाग लेगा और ये फर्जी शिक्षक कब तक प्रदेश के जो नौ निहाल है उनको पढ़ाते रहेंगे? तो ये अपने आप में प्रदेश के ये उत्तराखंड के लिए ये सवाल है और अब देखना दिलचस्प होगा सरकार इस पर कब तक कड़ाई का फैसला देती है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में एक आरोपी शिक्षक कार्रवाई के लिए कोर्ट भी गया था इस कार्रवाई के खिलाफ और ऐसे में कोर्ट की तरफ से जानकारी इन तमाम जिलों के शिक्षकों के बारे में मांगी गई थी। तो इसको लेकर विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या वो रिपोर्ट तैयार हुई है और अगर वो तैयार हो गई है तो क्या कुछ अभी तक सामने आया पंकज, इसकी कोई जानकारी? देखिए उसमें तो कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जो ये शिक्षक है, जो शिक्षक हाई कोर्ट में गया था वो इस मसले पर हार गया था और अब कोर्ट के भी आदेश आए हैं कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो फर्जी प्रमाण पत्र के साथ नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए। तो ऐसे में अब सरकार के पास तो फ्री हैंड है, शिक्षा विभाग के पास फ्री हैंड है कि वो अब इस पर कार्रवाई करे, लेकिन अगर विभाग कार्रवाई नहीं करता और ये तमाम चीजें अभी भी ये तो पब्लिक डोमेन में है कि ये फर्जी, बिल्कुल ये तो वक्त बताएगी कि क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।